एक्स्ट्रा टाइम। प्रतिभा चुनौती की फर्स्ट कजिन होती है। प्रतिभा जब चुनौती से टकराती है तभी असली निखर के आती है। आज के एक्स्ट्रा टाइम लाइव में सबसे पहले तो गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है आपका। होप यू आर फाइन एंड सेफ। इस वक्त जो हमारे साथ हैं, टीम इंडिया की न्यूएस्ट मेंबर है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की। अगर बात करें तो टीम की अनाउंसमेंट हुई है और उसमें इंद्राणी रॉय का नाम जो है वो शामिल हुआ है। शी विल बी मेकिंग हर डेब्यू इंग्लैंड वाले टूर में। और प्रतिभा और चुनौती दोनों इन्होंने बहुत पास से देखिए, प्रतिभा इनके अंदर है, चुनौतियां हमेशा फेस करनी है, आगे भी करेंगी, एंड शी विल कम आउट सक्सेसफुल, ये मेरा पूरा यकीन है। सबसे पहले इंद्राणी, गुड इवनिंग, कैसी हो आप? गुड इवनिंग भैया, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आई एम गुड, थैंक यू। अभी कल से तो लॉकडाउन लगने वाला है यहाँ पर बंगाल में, और कल से तो होम ट्रेनिंग शुरू होगा, कैसे मैनेज करोगे ये बताओ। वही लास्ट लॉकडाउन वापस आ जाएगा, रिपीट करना है वही जो लास्ट लॉकडाउन में किया था। राइट हमें लगता है सिर्फ साल बदला है क्योंकि लास्ट टाइम भी लॉकडाउन ही था इसी टाइम। एक्चुअली में ओके, तो आप लोग का एक प्रॉपर चार्ट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है जब आप घर पे एक्सरसाइज या ट्रेन कर रहे होते हो? हाँ हाँ जी सर, एक शेड्यूल बनाती हूँ मैं, उसको मैं ट्राई करती हूँ फॉलो करूँ, रेगुलरली मेंटेन राइट, करूँ। तो कितना टाइम लग जाता है रेगुलरली एक दिन अगर घर पे आपको ट्रेनिंग करनी हो तो? मैं अभी अगर कुछ भी वर्कआउट, मतलब सारा दिन, तो ऑफकोर्स सारा दिन घर पे हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करती हूँ खुद के साथ बिताने का, एज इन कि अपना गेम को अच्छा इम्प्रूव करने का, या तो शेडो, या तो मैं सब, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी के साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। राइट। या इंद्राणी बंगाल से हैं, बंगाल के हावड़ा जिले से हैं। हावड़ा में जहाँ ये ट्रेनिंग करती हैं, जहाँ इनका पहला कोचिंग कैंप था, वहां पर लक्ष्मी रतन शुक्ला भी थे। और ये हावड़ा जिले की अगर बात करें तो मनोज तिवारी का नाम भी ले सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे और भी बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जो वहां से आए। आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई थी, किसने टैप किया था आपके टैलेंट को और कोचिंग कैंप तक पहुंचाया था वो बता। भैया, मेरा 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 जो कोच है पाचू सर, मेरा फैमिली पहले थोड़ा अगेंस्ट थे क्रिकेट के, बिकॉज वुमन प्लेयर करियर नहीं होगा, तो ऐसा जो होते हैं, तो वैसे थॉट्स थे मेरे फैमिली के। तो जो पाचू सर थे वो मेरा मेरा फैमिली के पास आके उनको कन्विंस किया मेरे को क्रिकेट में आगे ले जाने के लिए, तो वहीं से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ, एक्चुअल क्रिकेट वहीं से स्टार्ट हुआ। पाचू सर ने मेरा घर पे आके कन्विंस किया, फिर मेरा प्रैक्टिस वहां से रेगुलर हुआ, होना स्टार्ट हुआ। राइट। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो वो तो थोड़ी सी पीछे रह जाती होगी अगर आप पूरी पूरी तरीके से क्रिकेट में आ जाते हो। घर वालों का ये कहना नहीं था कि थोड़ी पढ़ वढ़ लो? एक्चुअली में, क्योंकि वही तो मेन हो गया था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पहले पढ़ाई करो, तो वही हो गया था। बट एट द एंड मैनेज हो गया, दोनों पास हो गई, पर इधर क्रिकेट भी पास हो रहा राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी मतलब आगे भी पढ़ने का इरादा है या नहीं, आप टाइम नहीं है सिर्फ क्रिकेट ही है? है। बस ग्रेजुएशन कर लेना, लास्ट ईयर बाकी है, बेसिक पढ़ाई करना है, ओके, बिल्कुल बहुत जरूरी है बेसिक पढ़ाई, उसके बाद राइट अपना क्रिकेट पे फुल फोकस। राइट। तो क्रिकेट में आपको शुरू से इंटरेस्ट था या फिर शुरुआत आपने दूसरे स्पोर्ट्स से की थी? शुरू से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था मेरे को, आर्मी में एक्चुअली इंटरेस्ट था। मेरा दीदी एनसीसी की थी उस टाइम, कर रही थी, तो मेरे को दीदी को देख के, दीदी जब एनसीसी का वो पूरा पहन के आती थी, तो मेरे को मन था मैं भी ज्वाइन करूंगी, बट समहाउ मैं क्रिकेट की तरफ आ गई, और लकीली अच्छा हुआ मैं क्रिकेट की तरफ आई, और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ क्रिकेट का। राइट। आप विकेट कीपर बैट्समैन, शुरू से ही विकेट कीपिंग करना था आपको या फिर आप पहले बॉलिंग या बैटिंग ट्राई कर रहे थे उसके बाद विकेट कीपिंग आया थर्ड ऑप्शन? बेसिकली अभी पता नहीं, मेरा सारे दोस्तों के साथ सेम सेम शेड्यूल होता गया है, वो है कि हर लड़की को या लड़के को पहले पेस बॉलिंग सिखाया जाता है। अगर हाइट है, मेरा हाइट राइट था, स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ा ब्रॉड शोल्डर्स था, तो मेरे को पेस बॉलिंग सिखाया गया, तो वहाँ पे मैं वहाँ पे चक होता था मेरा, इतना ऐसा बॉलिंग एक्शन था मेरा कि आगे नहीं जा पाती मैं, तो राइट। मैंने मेरे को पर्सनली, मैंने विकेट कीपर्स का अलग से देखी हूँ, मैं ड्रिल्स करते हुए बहुत टाइम से, मतलब बहुत ड्रिल करते हैं विकेट कीपर्स, तो मेरे को उसमें जब बाजू में सर जब यहाँ पे कुछ वो बॉलिंग का ड्रिल्स बताते, तो मेरे को इंटरेस्ट रहता था उधर विकेट कीपिंग में, तो मेरे को ऐसे लगा कि शायद मेरे को वो चीज ज्यादा पसंद है, वो कूदना, यू नो, क्विक मूवमेंट, वो सब, तो मैं इसलिए उस तरफ चली गई, विकेट कीपिंग की तरफ। आप हो यहां से, आपने खेल यहां पे सीखा,
लेकिन आप रिप्रेजेंट करते हो हाँ झारखंड को, तो ये जर्नी कैसे हुई जी वो बताओ। सर, मैंने यहाँ से 3 साल खेला है। 2014 मेरा डेब्यू था, हम लोग स्टेट चैंपियन रहे बंगाल। उसके बाद 15, 16, 17 खेला। 18 में मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा कोलैप्स हुआ। अप्स एंड डाउन ऑफ कोर्स, हर स्पोर्ट्स पर्सन का पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है। तो मेरा थोड़ा राइट डाउन राइट हुआ, मेरे को मैचेस नहीं मिल रहे थे बंगाल से। तो मैंने ऐसा, मतलब मैंने ऐसा खुद पे ऐसा लिया कि ऑफ कोर्स मैं अगर खुद को खुद पे मेहनत करूंगी तो मैं शाइन कर सकती हूँ शायद। तो मेरे को ये झारखंड जो है एक अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला। तो मैं वहाँ पे झारखंड में, मैं एक्चुअली बेसिकली मैं उस टाइम जब मैं कोलैप्स हो रही थी, 2017 जब मैं कोलैप्स हो रही थी, जब बंगाल मुझे नहीं ले रहे थे, तो मैं हर जगह पे जाके मैच खेल रही थी। कोई भी टूर्नामेंट में मेरा दोस्त लोग कहीं पे भी, इंडिया के गाजियाबाद में गई थी मैं, तो मैं इधर उधर मैच खेल रही थी। तो लकीली मैं झारखंड में भी गई, उधर डिस्ट्रिक्ट मैच स्टार्ट हो रहा था, तो मैं उधर डिस्ट्रिक्ट मैच खेली। उधर वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस हर मैच में हुआ ऑलमोस्ट, मतलब 2-3 मैन ऑफ द मैच रही थी। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी। वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो लोग बहुत मेरे को अप्रिशिएट किए। वो लोग मेरे को फिर मतलब मेरे को ऐसे लगा कि शायद वो एक अच्छा स्टेट, मैं अच्छे से उधर खेल सकती हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा चांस मिलेगा। तो मैं इसलिए उस तरफ चली गई। तो मैंने बंगाल राइट, से एनओसी लिया वहाँ से। देर इज समथिंग अबाउट झारखंड विकेट कीपर और टीम इंडिया, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी का कनेक्शन हो या अब इंद्राणी रॉय का कनेक्शन हो। तो कभी मौका मिला आपको महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का? हाँ जी हाँ जी, माही भाई जब भी आते हैं रांची में, वो मेक मतलब वो श्योर करते हैं कि वुमन टीम से भी वो मिलते हुए, क्योंकि हम लोग ऑलवेज माही भाई करते रहते हैं। तो उनको जितना भी टाइम मिलता है वो हमेशा हम लोग के साथ स्पेंड करते हैं। 5 मिनट ही सही, उनका शेड्यूल ऑफकोर्स बिजी रहता है। वो रांची आते हैं तो अपना बिजी शेड्यूल लेके आते हैं, जिम करते हैं, टेनिस खेलते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, बट हम लोग के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं माही भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं उनके राइट स्टेट में गई, और एक टाइम था जस्ट हम लोग 23 से पहले हम लोग का टीम जा रहा था, तो उसी उसी टाइम मतलब उसका नेक्स्ट डे फ्लाइट है ऐसा था, तो उसी टाइम माही भाई प्रैक्टिस कर रहे थे बाजू वाले नेट पे। तो अब मेरा जो सीमा मेरा जो कोच है सीमा मैम, तो सीमा मैम हम लोग को इंट्रोड्यूस किया, और मेरे को ऐसे इंट्रोड्यूस किया ये अपना स्टेट टीम के विकेट कीपर है। तो मुझे फिर माही भाई से बात हुआ था, तो वो मोमेंट तो मैं इतना एंजॉय करती हूँ माही भाई से बात करना। हेलो, क्योंकि मैं हाँ जी फोटो क्लिक करना रहता है, जो होता है ना फोटो क्लिक करके इधर उधर शेयर, मैं उसको भूल जाती हूँ। मैं माही भाई से बात करने में इतना ज्यादा एंगेज हो जाती क्या टिप दिया उन्होंने, हूँ। क्या बातचीत हुई, हमें भी बताओ। सर मैंने बेसिक एक सिंपल जो हर विकेट कीपर के दिल में है कि सर आप इतना इतना इजीली कैसे विकेट कीपिंग करते हो, आप इतना फेमस हो, फर्स्ट राइट लेजेंड हो आप, तो आप क्या प्रैक्टिस करते हो ऐसा कि आपको यूनिक बनाता है। तो सर ने वही बोला कि मेरा लॉजिक सिंपल है, मैं इतना हैवी नहीं करती चीजों को। एक सिंपल ड्रिल है, मतलब एक छोटा सा चीज है कि वो जो 10 यार्ड्स है वो मेरा है, 5 से 7 यार्ड जो है वो मेरा है। वहां पे मेरे को ऐसा करना है कि 100 out of 100 स्कोर करूंगा, मतलब मार्क्स मतलब 100 में 100 out of 100% मेरा एफर्ट बेस्ट रहेगा, वो 100। तो मैं वो 10 यार्ड्स का ही प्रैक्टिस करता हूँ प्रॉपर, मतलब बेसिक, वो बेसिक पे रहते राइट हैं इसीलिए। राइट ओके। आपने अभी तक जितने मैचेस खेले हैं उसमें से आपका फेवरेट मैच पर्सनली कौन सा रहा है और क्यों रहा है, और कौन से स्टेडियम में हुआ था वो? स्टेडियम हम लोग अभी जो ग्राउंड लास्ट याद नहीं तो कोई टूर्नामेंट बात नहीं। अभी जो हम लोग लास्ट टूर्नामेंट खेले, तो मेरा 2 सेंचुरी था उसमें से, वन एक में 130 था नॉट आउट था, और दूसरे में 103 था। तो वो जो 103 था वो चंडीगढ़ के अगेंस्ट था, और वो वाला मैच में हम लोगों को अराउंड 26th ओवर या 27th ओवर हम लोग को पता चला कि अगर हम लोग को क्वालिफाई करना है, वो क्वालिफ मतलब हम लोग ग्रुप में सेकेंड नंबर पे थे, क्योंकि हम लोग एक मैच हारे हुए थे। तो अगर हम लोग को क्वालिफाई करना है, फर्स्ट पे रहना है, तो हम लोग को विदिन 31st ओवर स्कोर करना होगा, मतलब मैच खत्म करना होगा। तो वो वाला मैच ऐसा था, अचानक से मेरे पास एक, क्योंकि ऑफकोर्स आप फर्स्ट बॉल से जब आप प्लान करते हो, अच्छा 130 बनाना है, इतना ओवर है, उसके लिए अलग प्लानिंग होता है। बट आप जब मिडिल में, जब 4-5 ओवर बाकी है, उसमें आपको पता चलता है इतना तक में ही जीतना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो एक अलग मेरे को तो बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी लगा,
और मुझे इसलिए ज्यादा मस्त लगा कि मैंने उसको अवेल कर पाई, मेरा टीममेट्स भी मेरा साथ दिए, मतलब हम लोग में बॉन्ड्स इतने अच्छे हैं टीममेट्स के साथ। और हम लोग ने वो मैच को जो जीता वो क्रूशियल मैच था, और हम लोग फिर क्वालिफाई किए। व्हाट अ फीलिंग, बहुत बहुत अच्छा फील था। अभी आप इंग्लैंड जा रहे हो टीम इंडिया के साथ, आपके सिलेक्शन हुआ है, तो इसके लिए भी क्या माई भाई की तरफ से कोई टिप्स आया है, कुछ आया है, या उन्होंने पहले बताया था कुछ? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई कांटेक्ट हुई नहीं है हम लोग की। हम लोग मतलब सर भैया जब स्टेडियम में आते हैं तभी बात हो पाती है। हाँ, राइट। अभी अभी ये आप न्यूज़ आपको सबसे पहले किसने दी ब्रेक की आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम? तक हम लोग की सिलेक्टर है मिठू, मिठू मैम, मिठू मुखर्जी, बंगाल की सिलेक्टर है, इंडिया टीम की भी हाँ सिलेक्टर है, वो मेरी कोच भी रह चुकी है। तो उन्होंने मेरे को पहले बताया कि तुम्हारा ऐसा हुआ है, फिर वो बोले कि चेक करो तुम, देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो वहां से मुझे पता चला, फिर क्या बात मैंने है। वे देखा घर कि घर में क्या माहौल था ये बताओ पहले, जब सिलेक्शन की न्यूज़ आई तो? हाँ घर पे एक्चुअली मैं अभी घर से थोड़ा अलग रह रही थी। मैं अलग मतलब प्रैक्टिस उधर थोड़ा अलग जगह पे करती हूँ, तो मेरा उधर दूसरा घर है तो उधर रहती हूँ। बट मैं मम्मी को जब बताया, मम्मी खुशी बहुत बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। ऑफकोर्स बहुत खुश होने वाली जगह है, क्योंकि हर बार जब ऐसा हो रहा था कि सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि यार तभी लॉकडाउन हो जा रहा था, तभी कोविड हो रहा था, मैचेस वुमेन्स के मैचेस बार बार कैंसिल हो जा रहे थे, ये तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा स्टेप लिया कि वुमेन्स को अभी हम लोग अभी जा रहे हैं। और मैं उस टीम का वो हूँ, हकदार हूँ, मैं उस टीम के होके खेल रही हूँ। बहुत बहुत राइट राइट। हाँ जी, अभी आप इंग्लैंड जाओगे, एक तुम बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, जो कि शायद आपके क्रिकेट प्लेइंग डेज में भी जब आपने शुरुआत की थी तब भी रहा था। झूलन गोस्वामी जी का सपोर्ट रहेगा, वो टीम में भी हैं, आपके साथ भी, उनसे बात भी हो रही थी 2 दिन पहले। सो उनका हाँ जी, कितना हाँ जी। इन्फ्लुएंस रहा है और कितना फायदा रहेगा ये बताओ। जूलदी के साथ मैं जब स्टार्ट की थी बंगाल, मतलब बंगाल से जब मैं खेलती थी, तो मैं और जूलदी ट्रेनिंग साथ में करते थे, लाइक वो बॉल डालते थे, तो एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर के ऑफकोर्स वो है ही। और मेरे को सपोर्ट हमेशा से उनका मिलता है, ग्राउंड इनटू द ग्राउंड हो या फिर इंदु ने ऐसा क्यों खेला, तेरे को मतलब स्कोर करके निकलना था, मतलब मैच में भी हम लोग उस टाइम प्रैक्टिस मैच खेलते थे, उस टाइम वो बहुत सीनियर थे, मेरा अंडर 19 चल रहा था, तो वो हमेशा मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रही। राइट। विकेट कीपर्स को ये भी होता है कि उनको अपना गला जो है वो भी एकदम तेज रखना पड़ता है और साफ, क्योंकि पूरा दिन उन लोगों को चिल्लाना पड़ता है। आपको भी लाना यही करना पड़ता पड़ता है, गले के लिए स्पेशल गार्गल वगैरह कुछ करते हो आप भी? नहीं, कारगिल वगैरह नहीं, मेरा वॉइस ऑलरेडी लाउड है। अच्छा, जो गुस्सा है, गुस्सा आता है कभी आपको, तो बैटिंग करते हुए वो जोर से शॉट मार के निकालते हो आप, ज्यादातर प्लेयर्स ही करते हैं, आप भी करते हो ये? नहीं, पता नहीं क्यों मेरे को बैटिंग में गुस्सा कभी आया नहीं उतना, मतलब राइट गुस्सा उतना वाला, हाँ अग्रेशन वाला उतना आता नहीं है। माई का फैन हूँ भैया, काम काम है, अराउंड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी मीडिया इंडियन से टीम जो है लेके अच्छा अभी इंडियन टीम जो है जाती इसमें भी बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। आपकी डायरेक्ट हूँ। हाँ कंपटीशन होगी इस वक्त टीम में तानिया भाटिया, तो जी, उनके हाँ साथ जी, आपका रेपो कैसा है, क्या टिप्स आप लोगे उनसे? बिल्कुल, वो बहुत एक्सपीरियंस है, उनके साथ बहुत सीखने को मिलेगा, तो मैं वेट करूँ कब उनसे मिलेंगे और कब मैं उनसे कुछ सीखूंगी। ऐसे तो राइट कभी बात नहीं राइट। किया हम लोग, मिले भी नहीं थे, तो एक्सपीरियंस हाँ है वो। हाँ ओके नाइस। जी, आपकी रोल मॉडल कौन रही है क्रिकेट में ये बताओ? माही भाई रहे हमेशा से, और अगर ओके वुमेन्स में बोलूँ तो मिताली दी, बिकॉज बैट्समैन मिताली है। जी से भी मौका मिलेगा आपको, अभी टेस्ट टीम में वो कैप्टन है और वो तो रहेंगी हाँ जी, साथ, हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यू जी, मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। यस 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 यस। अभी मिताली दी ने मेरे को ग्लव्स भी दिया था, अभी हम लोग का अच्छा रेलवे के अगेंस्ट हम लोग मैच खेले थे, तो मिताली दी ने हम लोग हाँ के 2-3 प्लेयर को अपना बैटिंग ग्लव्स पैड्स शेयर किए, तो आई वाज वन ऑफ देम। राइट। अच्छा वो वैसे तो वो नजर नहीं आती, सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड पे ही नजर आती है, उसके बाद तो वो एकदम ऑफ रहती हैं। तो आपको कभी टिप्स उप्स लेना हो जब मैचेस नहीं चल रहे हो तो अवेलेबल रहती हैं, फोन पे मिल जाती हैं? और मिताली दी, मिताली हाँ जी दी से मेरा अभी तक वैसा कांटेक्ट हुआ नहीं है, ओके मैंने अभी ओके स्कूल में ग्रेट खेला। हाँ जी, हाँ जी, ओके। एज अ कैप्टन आपको कौन पसंद है वेमेन्स क्रिकेट की अगर बात करें तो? एज अ कैप्टन मुझे मिताली दी का कैप्टनशिप बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ ओके जी,
कंपोज। आप बंगाल का क्रिकेट स्ट्रक्चर देख चुके हो, यहाँ पर रैंक क्रिकेट आपने खेला है, एज लेवल क्रिकेट झारखंड ने में भी खेला है, तो क्या वहाँ का क्रिकेट स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है बंगाल से या ऑलमोस्ट सिमिलर है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। वैसे बंगाल ने 3 ट्रॉफीज लाए थे लास्ट 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 इयर्स, तो ऑफ कोर्स बंगाल अभी बहुत बहुत सबका सब जगह बंगाल का चर्चा हर जगह हो रहा है, बट आई थिंक झारखंड में भी वो कैपेसिटी है। हम लोग यहाँ पे, हम लोग लास्ट 3 इयर्स से हम वी आर डूइंग सो वेल। हम लोग ऑलमोस्ट क्वालिफाई, लास्ट लॉकडाउन हो गया इसीलिए हम लोग का क्वालिफाइंग मैचेस नहीं हुआ, बट हम लोग उसमें भी क्वालिफाई किए थे, तो आई थिंक वी आर डूइंग वेल। हम लोग का भी राइट, फ्यूचर्स, हम लोग भी ट्रॉफीज ऑफ कोर्स लेके आएंगे। डेफिनेटली। अभी आप इंग्लैंड जा रहे हो तो उसके लिए कोई खास किस्म की ट्रेनिंग या तैयारी, अभी तो आप घर पे हो तो वो होगा नहीं, लेकिन एक बार जब आप टीम के साथ होगे तो वो होगा, या फिर झूलन दी से कोई स्पेशल टिप्स मिली, वो तो पहले भी इंग्लैंड जाके खेल चुके हैं, ऐसा हाँ जी, हाँ कुछ जी, हाँ जी। ऐसा? फिलहाल तो जो चीजें कंट्रोल में वही कर सकते हैं, है ना। हाँ जैसे अपना डाइट हो गया, अपना सेल्फ हाँ ट्रेनिंग हो गया घर के अंदर, तो हाँ अभी वही वही सब जो बेसिक्स है वही सब कर रही हूँ, बिकॉज एट द एंड बेसिक्स ही काम आते हैं। जितना राइट, कंट्रोल में, बस सेफ रहना चाह रही हूँ कि इस पैंडेमिक से सेफ रखूँ खुद को, फैमिली को, तो वही छोटे छोटे फोकस है। ओके। अभी मेंस क्रिकेट में स्लेजिंग बड़ा देखने को मिलता है, वुमेन्स क्रिकेट में भी स्लेजिंग होता है, आप करते हो स्लेजिंग या नहीं करते? नहीं, मैं बहुत ही, मैं माही भाई का फैन हूँ, बहुत ही काम कंपोज पर्सन है। मेरे ओके कभी कभी मुंह से निकल जाता है, वाओ व्हाट अ शॉट। लाइक इंडियन रेलवेज के हाँ साथ अभी मैच हुआ था, तो एक हाँ एक दीदी, एक सीनियर प्लेयर थी, मोना मोना मिश्रा, तो उन्होंने एक लॉफ्टेड शॉट खेला, व्हाट अ शॉट, मेरा मुंह से निकल गया, वाओ शॉट। तो मैं क्या ऐसी बात प्लेयर है, हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आप कुछ इंडियन टीम के लेजेंड्स के साथ रहोगे, आई एम श्योर यू विल बी वन ऑफ देम आगे चल के, हरमनप्रीत हो, स्मृति हो, तो इन सब से आगे इंटरेक्शन आपका हो चला है या ये फर्स्ट टाइम आप इंटरेक्शन करोगे? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? फर्स्ट टाइम, वेरी आई फर्स्ट थिंक टाइम? मैंने भी कुछ सोचा ही नहीं है, टू बी वेरी ट्रू, मैंने कुछ सोचा नहीं। आई डू बिलीव कि यू नो उस टाइम जो होगा हो जाएगा, आई डोंट बिलीव कि पहले से सोच के या फिर ऐसा कुछ, बट मैं एक्साइटेड हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगी, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, वो जर्सी पहनना बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी, बट वैसा कुछ सोचा नहीं है कि राइट, यार वॉट अभी बी इंग्लैंड लाइक। जा रहे हो, अभी आप इंग्लैंड जा रहे हो, मुझे याद आया आपके पासपोर्ट को लेके कुछ इश्यू हुआ था, क्या हुआ था वो? पासपोर्ट बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ओके, बन रहा है, प्रोसेस होना है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्या हो गया था उसमें? इफ यू कैन पासपोर्ट शेयर। मैंने बनाया नहीं है, पासपोर्ट बनाया नहीं है, अच्छा तो अभी लॉकडाउन के चलते और डिले हो गया। मैं बहुत, मतलब मेरा मेरा जब मैं कलकत्ता में आई तो तब से मैं ट्राई हाँ कर रही हूँ, कुछ भी कुछ आ जा रहा है, तो रियली होप कि जल्दी हो जाए, है ना। राइट अभी राइट, लॉकडाउन चल रहा है अभी कल से, आई डोंट नो, बस ओके बातें चल रही है ऑलराइट। अंदर। हाँ, आपका फेवरेट क्रिकेट शॉट कौन सा है? कवर ड्राइव, एनी टाइम कवर कवर ड्राइव, ड्राइव। मिताली एनी पर्टिकुलर प्लेयर जिसकी कवर ड्राइव आपको बहुत पसंद थी, विराट कोहली कवर है? राइट, और फेवरेट ड्राइव कर इंटरनेशनल रही। वुमेन्स क्रिकेटर कौन है, इंडिया के हो या फिर बाहर के भी हो, वन सारा इंडियन वन टेलर, बाहर? सारा टेलर, सारा टेलर, विवेक अभी आप की इंग्लैंड जा रहे हो, मैं शायद शायद उनसे भी बात मौका मिल। कर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब पासपोर्ट जो है वो आपको, आपकी पासपोर्ट बहुत जल्दी फिल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब आप आई होप कि रेगुलर इंडिया खेलोगे एंड अच्छा प्रदर्शन करोगे। एक टिप जो आप देना चाहोगे, बहुत सारे बडिंग क्रिकेटर्स जो है वो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप क्या देना हाँ चाहोगे जी, एक हाँ टिप? जी। आई थिंक सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मैं भी उस पर काम कर रही हूँ, तो मैं वही चाहूंगी कि सेल्फ डिसिप्लिन पे हमेशा रहो। वो जरूर आपको लेके जाए, क्योंकि मैंने जितना देखा है बड़े प्लेयर्स को या फिर कोई भी, कुछ भी, कोई भी एथलीट, वो यही बोलते आए हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। तो सेल्फ, खुद से ऑनेस्ट रहो, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करो, बाकी सब आपको लेके राइट जाएंगे खुद, मतलब यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। राइट, बहुत सारे पेरेंट्स इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनको भी आप प्लीज कुछ बोल दो, अपने बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा पुश करें। बिल्कुल अंकल आंटी, अगर आपको लगता है आपका आपका बेटा या बेटी अच्छा कर सकता है, वो अंदर से आपको फीलिंग आ जाएगा, तो प्लीज हाँ प्लीज सपोर्ट कीजिए, बहुत जरूरी है। विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट नथिंग, लाइक
मेरा फैमिली पहले सपोर्ट नहीं किए थे, उसके बाद उन्होंने हर जगह से सपोर्ट किए। मतलब मैं फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, बट मेरे बैट्स, मेरे महंगे बैट्स अगर मुझे चाहिए तो, मतलब अगर मेरे को पापा को पता चला मुझे नीड्स है, तो मैनेज करके हमेशा बैट दिए, पैड दिए। मेरे को क्रिकेट से कभी भी कोई कमी नहीं हुई, तो आई थिंक वैसा नहीं, सपोर्ट हूँ एकदम। बहुत बढ़िया। जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हो तो फिर क्या कर रहे होते हो? फेवरेट पास्ट टाइम क्या है? आई थिंक मैं सब पढ़ाई कुछ छोड़ करती के? हूँ, पढ़ाई छोड़ के मैं सब कुछ नहीं। एक्चुअली मैं, पता नहीं ये चेंजेस कहाँ से आया है, आई थिंक वो 2017 वाला जो फेज चला था बंगाल, जब मेरे को रिजेक्ट किया था, उस टाइम मैं पता नहीं बुक्स में काफी खुद को ढूंढने लगी, तो मेरे को बुक्स में काफी इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद से मैं थोड़ा सा यू नो स्टडी रिलेटेड, लाइक अकेला टाइम स्पेंड करूंगी, तो बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी बुक्स के साथ स्पेंड करूंगी। मैं राइटिंग भी स्टार्ट कर दी, मैं खुद अपना अरे वाह, मतलब हाँ, मैं पहले तो वैसे रैपिंग करती थी, मतलब मेरे को ऐसा अरे टाइम, वाह, तो मेरे को क्वालिटी टाइम कुछ बनाने में इंटरेस्ट है, कुछ क्रिएटिव करो, तो वैसे राइट। सब चलता रहता है। तो एक आधा रैप अगर कुछ याद हो, जो आप कुछ लाइन समय सुना पाओ अगर याद हो तो। एक है जो मैंने रिसेंटली लिखा था, थोड़ा लाइन में सुना रही हूँ। श्योर श्योर। भीड़ में नहीं, भीड़ से मैं नहीं, दल दल वाले रास्तों में चलता नहीं, जो भी हूँ खुद से हूँ, आत्मविश्वास मेरा गुरु, मेहनत की कमाई मेहनत से करूँ, सीधा रास्ता चुनू, 100 बार मैं गिरूँ तो हर बार मैं उठूँ, सर झुकने का सोचना कभी मैं रहूँ, लंबी दौड़ का मैं घोड़ा है, खून में जुनून, छोटे छोटे कदम से हर सीढ़ी मैं चढ़ू, हर सीढ़ी मैं चढ़ू, देखो साथ नहीं हूँ किसी फेंक के, हजारों में हूँ जैसे एक हूँ, झोलम झाल वाले रास्ते से दूर में, तू गलत तो तेरे भी विरुद्ध में, ए क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच इंद्राणी। एंड आई एम श्योर ये रैपिंग को भी आप एज एन ऑल्टरनेटिव करियर डेफिनेटली कर सकते हो, और टीम इंडिया को पहला रैपर भी मिलेगा अलॉन्ग विद क्रिकेटर, इसमें कोई डाउट नहीं। आई विश यू ऑल द वेरी थैंक बेस्ट फॉर दिस इंग्लैंड टूर, यू फॉर भैया, योर पासपोर्ट, फॉर योर स्टडिंग एंड फॉर योर रैपिंग। थैंक यू सो मच, कीप इंस्पायरिंग, कीप प्लेइंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक थैंक केयर। यू थैंक यू, सो मच, ग्रेट। थैंक यू।